करने में ना हमेशा दिक्कत होती है मुझे, इवन मुझे नाइफ का यूज करना पड़ता है कई बार तो। Guys, welcome back to my Charu. आज हम review करने वाले हैं tea tree hair mask का and this is it. And इसमें tea tree है, argan and lemon oil है. And तीनों ही products बहुत अच्छे होते हैं guys आपके hairs के लिए. That's why इन्होंने तीनों का combination जो है इस hair mask में रखा है. Guys, natural hair mask भी और plus ये जो hair mask आते हैं जो ऑर्गेनिक हेयर मास्क होते हैं दोनों ही आपके हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. अगर आपके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है कि आप हेयर मास्क बनाएं घर पर एंड अप्लाई करें, सो डेफिनेटली आप मामा अर्थ के हेयर मास्क जो है वो बाय करके रख सकते हैं. वैसे टाइम पे आपको जरूर यूजफुल रहेंगे. मैं भी रेगुलरली गाइस इसको अप्लाई नहीं करती हूँ कि मैं रेगुलरली मामा अर्थ के ही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बट जब मुझे टाइम नहीं मिलता है जल्दी से बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं झड़ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली अपने पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखती हूँ सो दैट मैं उसको यूज कर सकूँ. सो हम इसका रिव्यू एंड डेमो करने वाले हैं गाइस आज. एंड इस पे लिखा हुआ है गाइस फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प एंड इसके अलावा रिड्यूस डैंड्रफ एंड कंट्रोल ऑयल, रिड्यूस इचिंग एंड मॉइस्चराइजिंग स्कैल्प सुटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर. सो अगर आपके बाल कलर्ड हैं ट्रीटेड हैं किसी भी टाइप से स्मूथनिंग केराटिन रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ भी आपने करा रखी है गाइस तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. एंड डैंड्रफ वगैरह किसी के अगर हेयर में बहुत ज्यादा है इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है गाइस. कुछ इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल एंड पोटेशियम सॉर्बेट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस इसमें. सो डायरेक्शंस वही सिंपल है कि आपको अपने हेयर्स को पार्ट करना है, पाम में लेना है, बट कुछ सिंपल सी टेक्निक्स मैं भी आपको बताऊंगी सो दैट आपका इसकी क्वांटिटी का ही जब हम लगाना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि एक बार में बहुत सारी क्वांटिटी भी लग जाती है. तो कुछ मैं एक टेक्निक आपको ऐसी बताऊंगी जिससे आपकी ये क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी और आपके हेयर्स में भी पूरी तरह अच्छे से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे. सो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें गाइस. और गाइस हम इसमें इसके अलावा बात करें तो पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, हाइपोएलर्जेनिक है, बायो एक्टिव्स इसमें मौजूद हैं एंड 599 रुपीज का ये प्रोडक्ट है गाइस. दिखने में इस टाइप का है, टेक्स्चर जो है इसका काफ़ी क्रीमी, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है गाइस इसकी. आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा. अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ इसको. एंड मैंने कल अपने हेयर्स मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे एंड आज मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ गाइस. क्लीन रखे अपनी स्कैल्प को एंड फिर आप ये मामाअर्थ का जो टी ट्री हेयर मास्क है उसको अप्लाई करें. एंड इसको आप 20 मिनट 25 मिनट तक रख सकते हैं अपने हेयर्स में. सो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं. गाइस सबसे पहले हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने बाल गीले करने हैं, बिल्कुल ड्राई बालों में नहीं लगाना है, लेकिन नहीं तो आधा डब्बा ख़त्म हो जाएगा आपका, तब भी ढंग से नहीं लगेगा ये आपका. चलिए आपके पास अगर स्प्रे हो तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक बाउल में पानी लेकर उससे भी अपने बालों को गीला कर सकते हैं एंड पार्टीशन करके आप लगा लें. यहाँ पे मैंने अपना हेड अच्छे से वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से मेरे हेयर्स जो हैं वॉश हो चुके हैं एंड काफ़ी लाइट, काफ़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी जो है वो महसूस हो रही है मुझे. काफ़ी स्मूथनेस लग रही है अपने बालों में जो कि काफ़ी कुछ मतलब मुझे 2 वीक्स हो गए थे अराउंड कुछ भी ऐसा अप्लाई किए हुए तो काफ़ी रफ हेयर हो गया था मेरा स्पेशली एंड की साइड्स वगैरह से, पर काफ़ी अभी स्मूथ टेक्सचर जो है वो लग रहा है मुझे अपने हेयर्स में. तो डेफिनेटली आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं गाइस एंड डेफिनेटली आई विल गिव थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट. ओके आज की सो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लग रही है एंड मेरे हेयर्स जो है वो आपको अच्छे लग रहे हैं स्मूथ लग रहे हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. And please subscribe guys. Bye. Take care. मिलते हैं एक next अच्छी सी वीडियो में. Bye.